पापाली बताए तियर मथुरत के पापाली काल तीन दाली नान बो पापाली मुंडाई वाली नाने नमे ए पेट पैसू नमना आजुला कीर्तन पापा बटने ले पापाली ए पापाली दिवा जीवा मनाली ए निजी मना नाकि गम्मा आकी सूती दी तू ए पापाली भैया आजू कड़ू सू मताने आजू कड़ू सू मताने आया उनके आजू ना पापा आया उनके दुमाली आया ये पापा मंदा कर डोपा मेंडू जीजो पापा डोपा मेंडू जीजो पापा जीवा मन्ना आई तीनो ये वीने कायु तेसू तापड़क नी दी यस बोल तो बिती मच्छो बोल क्या नहीं हुआ ओनेन बिल नौ महीना पेट धर ले यार मैं पिला के यार बेटी के यार बेटा को मैं झूलना झूला ले और मक्के का तापड़क नी दिया दोनों पेट दिया दिया बोले सुन बोले नहीं नो उत्तर समझ कवर है झूलना झूला ले झूला में झूला है हाँ झाड़ू लगाए उसके उसके बदले उन लोग क्या बोलते काम सिखाओगे को बड़े किए और उसके जो सामान सिखाए काम वाम कराने सिखाए और उन लोग को बोले कि मेरे को मारो मत जो भी खाना पीना है वो दो अच्छा देवो बोलते मैं बोले ऐसे नाना येरु अमितानो पापा नाना येरु मिताने ए पुटो लेरु मितान पापाली निके पेंडू लेकितान पापाली नाना पेंडू कितान आये पेंडू नाके वेंडे किमु पापा नाके वेंडे किमु ले निवा जीवा मना पापा निवा जीवा मनाली आया बाबड़ो पेंडू ले आया बाबड़ा पेंडू लु निमा कीसु मत के पापाली नी के जीवा मेंदे उत्ती तो हम से बोल बिन सा मुदे सुन सुन आए दिन दिन ये देख क्या बोल बिया मैं कर ले मुख बोल बिया करूं दे सुता बोल मोर तो मेरा सनु देश में नहीं सनु मेरा दूसरों का शादी को इन लोग कर दिए हैं हाँ अपने बेटे को हाँ और दूसरे को नहीं बोले इनकी इनके बच्चे को कोई और शादी कर दिए हाँ। और इनको बोले कि आप मेरे बच्चे को शादी कर दो अच्छा हाँ। गुंडी कहाँ से आए हो आप कहाँ के रहने वाले हो तो मेरा ब्याह करूँ दे देना साथ तो मरूँ बात ही कहाँ के हैं गांव 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 कोटला फाला मैके इधर है नहीं नहीं मैके मैके ससुराल मोचो जिला अच्छा बस्तर जिला उधर गोंडी भाषा बोली है अच्छा और गांव नो गुड़ी बोले हो हल्वी बोले हो हिंदी बोले हो हमारे गांव पूरा बस्तर है यहां पर हमारे लिए चाय और बिस्किट की व्यवस्था कर दिए हैं तो भाई बस्तर में इतना सम्मान पाके खुश हो गया मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बस्तर में इतना प्यार मिलते आ रहा है और आशा करता हूँ ऐसे प्यार लोगों का मिलता रहे और मैं बस्तर आते रहूँ और आप लोग से मिलता रहूँ क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि खैर के बोल रहे हैं लोग खाना पीना खिलाएंगे और पानी वानी खिलाएंगे किसको मेहमान को हम आज तो दादी लोग का कहना है कि जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उनको बराबर
चाय पानी खाना के लिए पूछते हैं, तो फिर आप सबसे पहले पानी पूछते हैं, अगर पानी नहीं तो कम से कम चाय, चाय नहीं तो खाना। और उससे भी अगर आप चाहते हैं कि मऊहा ताड़ी सेल्फी, तो इनका भी व्यवस्था किया जाता है। इनका ये व्यवहार है, एक सम्मान करने का ये साधन मानते हैं और यही उनका व्यवहार है समझते हैं। जो भी मेहमान आते हैं उनका ये पूछना और ये देना अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मेहमानों को मेहमान न समझा जाकर उनको एक परिवार का सदस्य माना जाता है, और उस परिवार के सदस्य समझ के उनको खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ का व्यवस्था यहाँ बस्तर अंचल में किया जाता है, जो मैं खुद अपने नज़दीक से अनुभव किया हूँ इस वक्त।